खबर लाए था छोपरी कही के एक रूमी ना तेरे को रोज अच्छे नहीं लगते हैं नहीं तुम हमको अगली खबर बताओ अंडी खोपड़ी नाम है मेरा खोपड़ सबकी रखती हूँ का मुस्कुरा रहे हैं ससुर जी का कविता बोल दिए तो गलत कर दिए कविता नहीं ना बोलेंगे हमको अच्छी लगी है तो नहीं बोलेंगे नहीं बोले नहीं बोले का अब बोले नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग हमको बोल रहे का चौथी खबर से ही कविता कविता कर रही हो हमको बोले का हमको अच्छा लग रहा है मन को जो अच्छा लगे और जो गलत नहीं है वो तो कर सकते हैं ना का कहते हो तो ई बात पे कुमार विश्वास जी की चार लाइन पंक्तियां और सुनाएंगे दर्शकों सुनेंगे का अब प्यार से सुन आपको इतना याद नहीं है ना का है ना बुढ़ापा आ गया है ना अभी दर्शकों माथे से तो बाल तो जा रहे हैं ऊपर से हड्डियां बहुत दर्द करती है वो सब तो ठीक है गौर फरमाइएगा बड़ी गहरी लाइन है एकदम से दिल से गौर फरमाइएगा ठीक है गला साफ कर लें भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का गौर फरमाइएगा दर्शकों अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा बहुत बढ़िया लिखे है कुमार विश्वास जी ये बात पे तो ठीक है आपको कैसी लगी ना आपको जरूर बताइएगा हमारी लिखी हुई नहीं है कुमार विश्वास जी की लिखी हुई पर हमको बहुत पसंद आई तो हम तो आज आपको सुनाएंगे ही इसके साथ सलमान खान और संजय दत्त की बढ़िया सी खबर लाए हैं चलिए दिखाते हैं क्या आपको पता है सलमान खान और संजय दत्त ने 10 नामक एक फिल्म में अभिनय किया जिसकी शूटिंग लगभग पूरी होने के बाद बंद भी हो गई थी जी हाँ सही सुना आपने मनोरंजन की दुनिया में बहुत सारी फिल्में बनती है लेकिन वे कुछ कारणों से रिलीज नहीं हो पाती इसी तरह संजय दत्त और सलमान खान जैसे एक्टर्स की फिल्म के बंद होने की कल्पना नहीं की जा सकती हालांकि यह सच है साल 1997 में दोनों एक्टर्स ने रवीना टंडन के साथ 10 नामक एक फिल्म में कोलैबोरेट किया कथित तौर पर फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी फिल्म के गानों ने काफी चर्चा बटोरी फिल्म के रद्द होने का कारण निर्देशक मुकुल आनंद है सॉन्ग सुनो गौर से दुनिया वालों फिल्म का हिस्सा था और फिल्म ने संगीत निर्देशकों के रूप में शंकर एहसान होय की शुरुआत की दूसरी ओर यह राहुल देव की पहली फीचर फिल्म भी होती दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार रविन्द्रनाथ टंडन को 10 में एंटीगोनिस्ट की भूमिका निभानी थी जबकि संजय दत्त और सलमान खान इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे फिल्म के आधे रास्ते में जब टीम उत्ता में शूटिंग कर रही थी निर्देशक मुकुल आनंद को अचानक आघात लगा और उनका निधन हो गया मुकुल आनंद की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद संजय और सलमान खान अभिनीत 10 को स्थगित कर दिया गया और यह कभी पूरी नहीं हुई फिल्म का टाइटल नितिन मनमोहन देसाई के पास में था बाद में साल 2005 में संजय दत्त सुनील शेट्टी अभिषेक बच्चन जायद खान शिल्पा शेट्टी ईशा देओल दिया मिर्जा और राइमा सेन के साथ इसी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई रिपोर्ट्स के अनुसार अनुभव सिन्हा की एक्शन थ्रिलर थी काम के मोर्चे पर सलमान खान टाइगर 3 में कटरीना कैफ और इमरान हाशमी कभी ईद कभी दिवाली और बजरंगी भाईजान 2 साथ ही नोएंटी 2 और अधिक के साथ दिखाई देंगे दूसरी ओर संजय दत्त को हाल ही में KGF चैप्टर 2 में अपने नकारात्मक परफॉर्मेंस में देखा गया और उनकी काफी सराहना भी हुई थी खैर इस खबर में तो बस इतना ही आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो ये बात है दर्शकों तो आपको ये खबर कैसी लगी और हमारे मुंह से ये कविता कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा तो झट से जाते हैं चार लाइन सीख के आते हैं नई खबर लेकर आते हैं पर आप कहीं नहीं ना जाइएगा आप बने रहिएगा आंटी के साथ जय राम जी के दर्शकों